सुबह के टाइम मफी भी सोई हुई है, कैश्पर साहब भी सोए हुए हैं मजे से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब दोस्त ठीक हो? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज बड़ा अच्छा मौसम हुआ है माशाल्लाह। आपको ये दिखाता हूँ बारिश कितनी प्यारी हो रही है। ये देखें हल्की हल्की रिम जिम हो रही है और स्टीम भी हो गई है गाड़ी में ना। अभी ऑन करते हैं एंटी फॉगर। तो मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से नालागान पुल, आपको ले कर चलते हैं साथ। तो आज की इस रिम जिम के साथ, मज़ेदार रिम जिम के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। डिफरेंट चीज़ें ना दिखाता रहता हूँ अक्सर। ये भी देख लें, ये नाला नाला सुल्ताना पुल। ओ आई कुत्ता, ओ जैकल आया जैकल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। इतना रश किस इधर सुंदर रोड पे आ गया जिस पे आप कुछ खा पी के आए ना हल्का फुल्का सा, इधर आ गया आपका हजम हो जाएगा। ऐसा रोड है यहाँ, अगर पानी इधर गिरेगा खड्डा बनेगा तो मटेरियल और मजीद लगेगा, वो नए बंदों का रिजक खुल जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो अगर इस खड्डे में कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह लगती है, पंचर होती है या ख़राब होती है, वो गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वाले का रिजक लगेगा। इसी वजह से हमारा मुल्क चल रहा नहीं यार गलत बात है, ये इस तरह नहीं चल रहा, लेकिन देखा जाए ना रियलिटी में ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पर जितना भी है ना रोड काफ़ी हद तक खड्डों में भरा हुआ है। यह आ गया जी नालागान पुल। जब मैं मेडिकल का काम करता था ना तो संगोई आता रहता था अक्सर ना, तो हम ये नीचे वाले एरिया से ना मोटरसाइकिल गुजार के जाते थे बरेती में से। अब तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हो गया, पुल बन गया है, बेहतरीन हो गया। इन्हों भी नज़र पाओ इधर को, वापडा हाउस बहुत बड़ा प्लांट बनाया है इधर ना। ठीक है ना यार, बड़ा प्यारा व्यू है। आप यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, नालागान पुल उतरते साथ ही नहीं देखें लेफ्ट और राइट, वो जी वाह माशाल्लाह। ये जी मेंटेनेंस हो रही है इधर संगोई वाली तरफ, आधा बन गया आधा रह गया है, सैंडर भूखा पै गया इधर। काम तो हो रहा है लेकिन इलेक्शन भी तो नज़दीक है ना, ये भी देखें ना, तभी काम सारे खुले हैं और स्पीड में हो रहे हैं, बारिश में तो काम करता ही नहीं है कोई। और ये देखें जी इधर स्पीडों में काम हो रहा है। बहुत प्यारे होटल आए हुए, तो अब पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। पेट्रोल का टाइम हो गया। तो आज संगोई से आगे गया था नतवाला गाँव में, बड़ा गंदा सा रास्ता था लेकिन ये गुजारा हो गया। उसके बाद अब फ्री होके घर चले हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 हो रहे हैं। फॉग हुई हुई थी सुबह, बारिश भी हो रही थी और फॉग ही फॉग हुई हुई थी सारी जगह पर। तो चलो फॉग से एक छोटा सा एक मजाकिया सा लतीफ़ा, तो सब ना धुंध में एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो सबसे आगे वाला ना ब्रेक लगा लेता है तो सब एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। सब उतर के जाते हैं जो सबसे आगे वाली गाड़ी थी ना उसके पास, भाई तूने ब्रेक क्यों लगाई है? तो वो कहता है जी मैं तो अपने गैराज में आ कर रुका हूँ, तुसी कित है? तो ये है कि धुंध में जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते जाते हैं, धुंध होती है उसमें तो आपको ज़रा सा भी कुछ भी नज़र नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।